नमस्कार, हमारे खास परिचर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हूं दीपक पथोरिया। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी बस्तर से होकर गुजरती है। जिसने बस्तर को जीत लिया उसने सत्ता फतह कर ली। कुछ इसी तरह के उलटफेर 2018 में भी देखने को मिला था। नतीजा साफ है, वहीं 2023 में विधानसभा चुनाव है तो दोनों ही दलों ने धान के कटोरे और कब्जा करने के लिए यहां पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग की सीटों से फिर से सत्ता में वापसी की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बस्तर संभाग की 6 सीटों पर 28 अक्टूबर से दौरे पर निकलेंगे। वहीं उनके दौरे को लेकर बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस सरकार में आदिवासियों की आरक्षण कम हुई है, अब बस्तर की जनता को उन्हें जवाब देना होगा। दरअसल आपको बता दें कि पीएल पुनिया और मोहन मरकाम अपने दौरे के प्रथम चरण में बस्तर संभाग के 12 में से 6 सीटों पर संगठन की निगाह रहेगी। दोनों नेता विधानसभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे, 2023 से फिर से सत्ता कायम रखने की राह तलाशेंगे। असल में कांग्रेस नेताओं का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी और आरएसएस की टीम ने बस्तर और सरगुजा संभाग में अपने व्यापक दौरे किए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने हाल ही में 5 दिनों तक बस्तर के जिलों का दौरा किया, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया, आदिवासी इलाकों में अपने जनाधार को वापस पाने के लिए भरपूर प्रयास किया। माना जा रहा है कि बीजेपी की सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने भी बस्तर के सीटों की अब अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने का मन बना लिया है। 28 अक्टूबर को पीएल पुनिया और मोहन मरकाम जगदलपुर विधानसभा के अंतर्गत जगदलपुर दौरे पर रहेंगे। बस्तर और चित्रकूट और दंतेवाड़ा में और बीजापुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। बताया गया है कि पहले 5 दिनों दौरे में 6 विधानसभाओं के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। पार्टी वर्कर्स से फीडबैक लेने के बाद वे बाद में बची 6 सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के बस्तर दौरे पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि भूपेश सरकार में आदिवासियों का आरक्षण कम हुआ है। एक तरफ जहां मोदी सरकार 12 जनजातियों के मात्रात्मक टूटी में सुधार कर उन्हें उनका हक दिलाया है, वहीं दूसरी तरफ भूपेश सरकार आदिवासियों की आरक्षण को लेकर कोर्ट में सही पैरवी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी आरक्षण कम हुए हैं। अब बस्तर की जनता उनसे जवाब मांगेंगे। हो क्यों गया, उसके लिए जिम्मेदार है क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास तो इस बात का बिल्कुल जवाब नहीं है कि आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 आदिवासी जनजातियों की मात्रात्मक त्रुटि सुधार कर उनको मुख्य धारा में शामिल किया, और एक तरफ आप उनके आरक्षण का उनका अधिकार कम कर रहे हो। ये सरकार जब से बनी है पूर्ण रूप से आदिवासी विरोधी बल्कि छत्तीसगढ़ के जनता की विरोधी है। बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता बस्तर दौरे के दौरान एयर कंडीशन रूम से बाहर नहीं निकले। उन्होंने आदिवासी आरक्षण में कटौती के लिए बीजेपी की पिछले सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि तत्कालीन बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के आरक्षण को लेकर सही भूमिका नहीं निभाई, इसलिए बीजेपी के नेता बस्तर में आदिवासियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार ने पूरा करने काम किया है, और भाजपा का चरित्र आदिवासी समाज देख लिया। वो भाजपा जो सरकार में रहते हुए एक आदिवासी नेता के अनुशंसा को खारिज कर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, जिसके चलते आदिवासियों का आरक्षण में कटौती हुआ है। बहरहाल दोनों ही दलों की तैयारी बस्तर को लेकर है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले रण में क्या कुछ सियासत देखने को मिलती है। दिलीप कुमार साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ रायपुर से जुड़ा हुआ है। अमित श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हैं उमेश घोरमोड़े जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं पीसी राजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देखा जाए उमेश जी,
अगर इतिहास पे पीछे की तरफ नजर डालें हम, तो 2003 में जो चुनाव हुए उसमें तकरीबन 9 सीटें जीते, फिर 2008 में चुनाव हुए तकरीबन आप 11 सीटें जीते, 13 में चुनाव हुए आप महज 4 पे सिमट गए, और 2018 के चुनाव पे आपके पास एक सीट बची थी वो भी आप गवा बैठे। तो ये अब जाके जो अगर ध्यान आ रहा है कि हाँ बस्तर को हमें देखना चाहिए, तो ये तो 2013 में से शुरू कर देना चाहिए था ना, जब आपकी सीटें एकदम से इतनी कम हो गई थी। 3, 8 और 13 का जिक्र किया और साथ में 18 की भी बात आपने यहाँ पर रखी, तो बस्तर क्षेत्र की चिंता भारतीय जनता पार्टी में 2003 से प्रारंभ नहीं की है, उससे पूर्व से ही, जब से इस देश के अंदर में 50-55 वर्षों तक आदिवासियों का अहित करते हुए शासन करने वाले कांग्रेस के सरकार ने बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र को एक प्रकार से छत्तीसगढ़ की विकास की मुख्य धारा से अलग छोड़ करके रखा था, तब से हमने उस बस्तर क्षेत्र की सुध लेने की काम किए, चाहे मध्य प्रदेश के जमाने में पटवा जी की सरकार की बात हो या फिर 2003 में आकर के बस्तर के अंदर में तमाम विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का विषय हो या फिर 8 के अंदर और 8 से आगे बढ़ करके उस अनुसूची क्षेत्र के अंदर में जो आदिवासी और वनवासी बंधुओं को 2012 के अंदर में जो आरक्षण मिलना चाहिए था, सही मायने में जो उनका हक मिलना चाहिए था, 20% से बढ़ा करके 32% का आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और जो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर में जो जनसंख्या के आधार पर वहां के स्थानीय युवाओं को तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग में जो आरक्षण के रूप में जो लाभ मिल सकता था उसको देने का काम 2012 में हमने किया, और तब से लेकर के लगातार 2018 तक एक लंबी लड़ाई न्यायालय के अंदर में। आज कांग्रेस आरक्षण को लेकर के और आदिवासियों को लेकर के तमाम तरह का प्रलाप कर रही है, बस्तर क्षेत्र का दौरा और अपनी जमीन तराशने का प्रयास कर रही है, उसके पीछे का कारण क्या है कि उन क्षेत्रों के अंदर में कांग्रेस ने अपनी जमीन खो दी है। इसका उदाहरण आपके सामने है, पिछले दिनों पीएल पुनिया साहब का जो दौरा बस्तर क्षेत्र के अंदर में तय हो रहा था वो 5 दिन का दौरा था, आज महज 2 दिन के अंदर में ये दौरा सिमट रहा है। पिछले दफे जब दौरा तय हुआ था तो 6-6 विधानसभा की बात हो रही थी, आज ये दौरा महज 1-2 जिले के अंदर में जाकर के सिमट जा रहा है और पीएल पुनिया साहब को वहां से वापस लौटना पड़ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सीधे तौर पे कारण है कि कांग्रेस के पास जवाब नहीं है, और आरक्षण को लेकर के ये प्रलाप करते हैं तो इनको बताना चाहिए कि जब 12 के अंदर में जब हमने संविधान में 1994 के संविधान में संशोधन करते हुए अनुसूची क्षेत्र के अंदर में और उस आदिवासी क्षेत्र के अंदर में विशेष आरक्षण देने का जब हमने काम किया, तो इनकी जो विधायक है, तात्कालिक कांग्रेस की विधायक है मनहर जी, उन्होंने इसका विरोध क्यों किया, इस बात का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, और उस विरोध का सुर आज जब कांग्रेस सरकार में आ जाती है तो तथ्यों को ठीक तरीके से नहीं रख पाती है, तारीख पे तारीख लेने का काम करती है। एक प्रकार से कांग्रेस ने इस बात को इस प्रदेश के अंदर में साबित कर दिया है कि ये आदिवासी भाइयों का अहित चाहती है, इसलिए आदिवासियों के हित में वो अपने तथ्यों को बेहतर तरीके से नहीं रख पाती है, और सीधे तौर पे आज साबित हो गया है कि उस अनुसूचित क्षेत्र के जो वनवासी बंधु हैं उनका हित कांग्रेस नहीं चाहती है, और इसीलिए उस अनुसूचित क्षेत्र, मैं तो केवल बस्तर की ही बात नहीं करूंगा, मैं तो बस्तर के साथ साथ सरगुजा और बिलासपुर संभाग की भी बात करूंगा, जिन क्षेत्रों के अंदर में स्थानीय, जब इतना अच्छा काम किया था उमेश जी तो 11 से 4 पे कैसे आ गए, और जब और ज्यादा अच्छा काम किया तो फिर 1 पे ही आ गए। इतना भाई चुनाव का दर्पण होता है, आपने सरकार का जो काम किया उसका दर्पण होता है विधानसभा चुनाव, अब ये मत कहिएगा कि नहीं होता है, ये होता है, और जब होता है तो आप 11 से 1 पर कैसे आ गए, आपने काम किया। और रही बात आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात में कांग्रेस तो लगातार ये कह रही है, ऐसा पंचर वाला पंचर जोड़ के गए आप, टायर फटा हुआ था पंचर जोड़ के गए, वो तो फटना ही था, अब वो उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उसी पे आ रहा हूं, देखिए 3, 8, 13 और फिर 18 में जो परिणाम आए वो किसी से छुपे नहीं है, जनता जनार्दन है, और एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी और तमाम तरह के विषय, और उसके बाद जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता ने निर्णय किया, आज हम विपक्ष में हैं और जनता का निर्णय स्वरोधार है, और जिस प्रकार से जनता ने निर्णय किया, आज छत्तीसगढ़ की जनता को इस बात का भी एहसास हो गया है कि बीते 3, 13 और 8 के अंदर में जो उन्होंने निर्णय किया था वो सही निर्णय था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी संविधान में संशोधन करके, 94 में संशोधन करके उनके आरक्षण के लिए लड़ती रही, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने उन वनवासी बंधुओं के आरक्षण को यथावत रखने के लिए लगातार 6 वर्षों तक लड़ाई लड़ी, स्थानीय स्तर पर रोजगार से लेकर के उनके तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के भारतीय जनता ने पार्टी ने काम किया, लेकिन उस आरक्षण को छीनने का काम आज कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस का
चेहरा जनता के बीच में बेनकाब हुआ है। आने वाले समय के अंदर में बस्तर की 12 में से एक भी सीटें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक भी सीटें कांग्रेस नहीं बचा पाएगी और उसी घबराहट में पीएल पुनिया साहब को बस्तर का दौरा करना पड़ा। पीएल पुनिया साहब ने तो बस्तर का दौरा करा, लेकिन आपकी जो डी परिंदेश्वरी जो कि प्रदेश प्रभारी है, वो कितने बार दौरा कर चुके हैं? पिछली बार 5 से 6 दिवसीय उनका दौरा था, लगातार वो दौरा कर रही है। आपके प्रदेश अध्यक्ष वहां पे 5-5 दिन का दौरा कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने कर लिया तो क्या हर्ज है भाई? देखिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी आप के तो अपना जब उनसे ज्यादा तो दौरा आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, आपके संगठन के लोग कर रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं उनकी जमीन खिसक गई है? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। अमित जी, जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं कि आपने जो उनका आरक्षण है उसे बचाने की कोशिश नहीं की बल्कि गंवाने की कोशिश की, जिसका नतीजा आपको एक भी सीट नहीं मिलने वाली आने वाले विधानसभा चुनाव में। और कितनी सीट नहीं मिलेगी ये तो जनता तय करेगी, और ये वही जनता है जिन्होंने पिछली बार भाजपा जो कहती थी कांग्रेस मुक्त हम करेंगे, देश को एक संदेश दिया और बस्तर से एक संदेश गया कि भाजपा मुक्त बस्तर की जनता ने भाजपा को किया। और बुनियादी मसला यह है साहब कि जो 15 साल का कुशासन था, भ्रष्टाचार था, कमीशन खोरी थी, और जो जन विरोधी नीति इन्होंने वहां पर जो बना के रखी थी, और बहुत देर से मैं उनकी तकरीर सुन रहा था भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता की, आरक्षण पे वो बात कर रहे थे, तो मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 2005 से 2018 तक वो उन्होंने उस पर क्या किया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो कहीं ना कहीं आरक्षण ना देना पड़े, इसके लिए जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको सभी को उन्होंने बेचने का लगातार क्रम जारी रखा है, चाहे बालको भिलाई स्टील प्लांट बिकने वाला है, नागरनार बिकने वाला है, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, भर्ती उन्होंने बंद कर दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ताकि लोगों को आरक्षण का लाभ ही ना मिले। जब रहेगा ही नहीं उपक्रम तो आरक्षण देना कहां से पड़ेगा, जब पद ही नहीं रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्ती भी बंद कर दिए गए और सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी ही ना मिले, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है साहब। और आपको मैं बता दूं भाजपा का दूसरा काम ये है कि हमेशा दुष्प्रचार करना, गुमराह करना, करने की कोशिश करना, लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करना, लेकिन यही उनका असली चाल चरित्र चेहरा है और उनका मेन काम है झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो, लेकिन जनता सारी चीजों को समझती है। और रही बात कार्यकर्ताओं के बीच में, आपने ठीक कहा कि आपके नेता भी बार बार जाते हैं, और इन्होंने जो बस्तर में चिंतन शिविर किया था बाद में वो चिंता का शिविर हो गया था, ये भी प्रदेश की जनता ने देखा है। पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी में इतने डिफरेंसेस हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम इनके नेता करते हैं। देखिए लोकतंत्र में मतभेद होना ठीक है, लेकिन भाजपा में लोगों के बीच में इतने मनभेद हो गए हैं कि एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। और रही बात हमारी, तो हमारे प्रभारी निश्चित तौर पे जो दौरे पे जा रहे हैं उसमें छह टिकटों पर हमारे नेता संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे, विधायकों का फीडबैक लेंगे, और राज्य सरकार की जो लोगों के लिए जो नीति बनी है उसकी जमीनी हकीकत को भी चेक करेंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है जो कोई भी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जी करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं के जो पिछला चुनाव था, मैं बड़े गर्व के साथ आपको कह सकता हूं कि हमने कार्यकर्ताओं के बल पे जीता था, और ये रण जो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए जो हमारा दौरा है निश्चित तौर पे नया जोश हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में आता भी है, क्योंकि लगातार अगर नेता जाते हैं और अगर उनको कोई तकलीफ होती है, अगर कोई गुस्सा होती है, कोई नाराजगी भी अगर होता है, तो निश्चित तौर पे वो सारी चीजें बात करने से क्लियर भी हो जाती हैं। और उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के बाद लोकसभा का चुनाव भी है, तो लगातार कार्यकर्ताओं से, हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही सर्वे पर होता है, ठीक है, और इनके यहाँ आप देखिए कि जब पूछा गया था इनके पूर्व विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष थे कि आप चुनाव क्यों हारे, तो उन्होंने कहा था हम अपने कार्यकर्ताओं के कारण हारे। उपासने जी इनके यहाँ बड़े सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता हैं, थे मतलब, उन्होंने जैसे ही कहा कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जाता, उनको परिक्रमा से पद मिलता है, परिश्रम से नहीं, तो उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया। ये तो इनके कार्यकर्ताओं की वैल्यू है कि ये अपने कार्यकर्ताओं के विषय में कभी नहीं सोचते। और मैं हमेशा कहता हूं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे जीत हमारे नेताओं की रणनीति और हमारे कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी की आन बान शान है, हमने उनके कारण वहां जीत दर्ज की, और समय समय पे हम उनसे मुलाकात करके चर्चा करते हैं। ठीक है,
पीसी रथ जी, जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस का दौरा, ठीक है वहां पे दौरा हर पार्टी करती है, चुनाव नजदीक है और उसमें कोई गलत नहीं है, ये मतलब नहीं होता कि जमीन खिसक रही है, लेकिन अगर देखें, अगर लाभ जिस तरह से कांग्रेस ने जो वादे किए थे, चाहे वो टाटा की जमीन दिलवाने हो या फिर तेंदुपत्ता या फिर अन्य वहां पर जो आदिवासियों, क्योंकि 40% वहां पर जंगल है तो जाहिर है वह आदिवासी पूरा बाहुल्य क्षेत्र है, और तो नक्सलियों से और उनकी जो एक तरीके से आय है वो उसमें एक स्थिरता लाने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया, चाहे वो स्कूल खोलने का काम हो या बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आखिर वजह क्या है कि जिससे कांग्रेस को इनकमबेंसी वहां पर झेलनी पड़ सकती है, वहां पर लोगों का विरोध झेलना पड़ सकता है, कोई ऐसी कुछ वजह है वहां पर? पेड़ों की कटाई या हाल ही में जो कोल माइन का मुद्दा उठा था, हालांकि वो भी टीएस सिंहदेव जी के हस्तक्षेप के बाद वो भी पूरा मामला ठंडा पड़ गया था, तो कुछ ऐसी कुछ मुख्य वजह है जो कि भूपेश सरकार के लिए आने वाले समय में समय मुश्किल पैदा कर सकती है? जी, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का बहुत बड़ा इलाका है और जिसमें खासतौर पर बस्तर का जो इलाका है जहां पर आदिवासियों के मतों से ही सरकार बनती है, और कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि बस्तर में जो जीत हासिल करता है वही छत्तीसगढ़ में सरकार बनाता है। बिल्कुल। तो अब तक के अनुभवों के हिसाब से इस तरह की बात की जाती है, और छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं उसमें बस्तर के जो मुद्दे हैं खासतौर पर, वो आपने जैसा कहा कि वनों को लेकर के या वनों के आयरन ओर यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा रखता है छत्तीसगढ़ में। बस्तर का इलाका जो है वो कोल का नहीं है, आयरन ओर का ज्यादा इलाका है, तो आयरन ओर के इलाके में जो आदिवासियों को हटाने की बातें जो हुई, या आयरन ओर के इलाके में जो बेलाडीला में पिछले 2-3 साल पहले जो आंदोलन हुए थे, तो वो उस तरह के मुद्दे उत्तर बस्तर के इलाके में भी हैं, यानी कांकेर जिले के इलाके में जो मुद्दे हैं वो आयरन ओर के इलाके में, वहां पर सरकार को काफी कुछ प्रयास करना पड़ेगा आदिवासियों को उस मुद्दे पर, जो लामबंद किए जा रहे हैं उनको लेकर के कांग्रेस सरकार की जवाबदेही बढ़ी है वहां पर। और निश्चित रूप से आदिवासी इलाकों का ये एक तरह से मैंडेट होगा कि वहाँ के जनता को भूपेश बघेल की नीतियों का कितना फायदा मिल पाया है, ये चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मंत्री बनाना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और बस्तर से मंत्री के रूप में कवासी लखमा जी को ही मंत्रिमंडल में शुरू में शामिल किया गया है, तो ये चुनाव इस बात का भी एक तरह से मूल्यांकन होगा कि क्या कवासी लखमा जी बस्तर के लोगों की भावनाओं की अपेक्षाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके हैं, क्या उन्होंने अपने मंत्री पद के दौरान अपने क्षेत्र के इलाके के लोगों की जरूरतों पर ध्यान दिया है, क्या विश्वसनीयता हासिल की है, और जनता का क्या उसमें संतुष्टि का स्तर क्या रहा है, क्योंकि ये पिछले दिनों जो 8 से 10 जगहों पर आंदोलन हुए थे वो पुलिस के कैंप को लेकर के आंदोलन आदिवासियों ने किया था, सिलगेर वगैरह का मुद्दा लगातार चल रहा है, तो उन मुद्दों को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है ये जब तक के क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक के मतलब उनको संगठन के स्तर पर हो, सरकार के स्तर पर हो, कांग्रेस की बड़ी चुनौतियां यही हैं कि आदिवासियों का विश्वास वो किस तरह से अर्जित कर पाती है, अगर वो उसके लिए फील्ड के स्तर पर काम कर पाती है, जैसे इन बड़े नेताओं के दौरे से शायद लोगों की आकांक्षाओं के बारे में उन्हें पता चले और फिर उसके आधार पर वो समाधान कर पाए, तो कांग्रेस आगे अपनी सीट बचा पाएगी। बहरहाल भाजपा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थितियां नहीं दिख रही हैं, जन असंतोष उस तरह का सरकार के प्रति नहीं है जैसा एक राजनीतिक दल को चाहिए होता है एक विपक्षी दल के नाते, भाजपा आंदोलन को उस तरह से खड़ा करने में कामयाब अभी तक के नहीं हो पाई है, तो भाजपा को ये देखना है कि अपना संगठन बढ़ाने के लिए वो क्या कर पा रही है, क्योंकि सरकार जब तक 15 साल तक रही भाजपा का संगठन बहुत मजबूत नहीं रह पाया, वो सरकारी स्तर पर चीजों को करने लग गए थे, इस कारण से जनता ने उन्हें हटा दिया, तो वो स्थिति जो है भाजपा को सुधारनी है। उमेश जी, जिस तरह से आप बस्तर से जो बांटे हुए बैठे हैं कि बस्तरवासी आपको वोट देंगे या आपके पक्ष में जाएंगे, कुछ ऐसे उदाहरण बताइए कि बस्तरवासियों के लिए आपकी सरकार ना होते हुए आप विपक्ष में बैठ के ऐसा कौन सा और कितना बड़ा आंदोलन आपने खड़ा किया, और उस आंदोलन में बैठे रहे या फिर उस आंदोलन में सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम किया, कोई एक दो ऐसे आंदोलन गिनाइए जिससे बस्तरवासी आपको फेवर करें कि नहीं, आप हमारे साथ खड़े रहे, भूखे प्यासे उस आंदोलन में बैठे रहे। निश्चित तौर पे मैं इन तमाम विषयों को आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अमित जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अपने वक्तव्य के दरमियान यहाँ पर उठाया था, इन्होंने सीधे तौर पे पूछा था कि हमारी सरकार रहते हमने आरक्षण के लिए क्या किया, और निश्चित तौर पे मैं उनको बताना चाहूंगा, और अमित श्रीवास्तव जी बहुत ही सीनियर नेता है कांग्रेस के, और मैं समझता हूँ कि अमित श्रीवास्तव जी बहुत बेहतर तरीके से अपनी नेता पद्मा मनहर जी को भी बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, 2012 में वो कांग्रेस की विधायक थी,
वही 2012 जब हमने आरक्षण को 20% से बढ़ा करके 32% करने का काम किया और वही कांग्रेस की विधायक जाती है न्यायालय के अंदर में और उस विधेयक के विरोध में जाकर के वाद प्रस्तुत करती है, जिसको लेकर के 2012 से लेकर के 18 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने लड़ने का काम किया और कांग्रेस ने लगातार 6 वर्षों तक उसके विरुद्ध में लड़ने का काम किया। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा के अंदर में और इस चीज को इस प्रदेश की जनता बहुत बेहतर तरीके से समझती है। चाहे सिलगेर का विषय हो बस्तर के अंदर में, अभी हाल ही के अंदर में जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों की मौत हुई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उस क्षेत्र के अंदर में डेलीगेशन बना करके जाते हैं और बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल में बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन को वहां पर पहुंचने तक से यह सरकार रोकने का प्रयास करती है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। और बस्तर के अंदर में आदिवासी भाई इस कदर इस कांग्रेस की सरकार से नाराज हैं कि बस्तर से लेकर के राजधानी रायपुर तक वो पैदल यात्रा करते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास उनके लिए समय नहीं रहता है, उनको सीधे राज्यपाल से मिलना पड़ता है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बस्तर के उन आदिवासी भाइयों को समय नहीं देते हैं। अभी आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण के विषय को लेकर के कोंडागांव के अंदर में, बस्तर के अंदर में, उन तमाम सुदूर क्षेत्रों के अंदर में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन आदिवासी भाइयों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। लगातार धरने पर बैठे रहे, लगातार आंदोलन पर बैठे रहे, लगातार चक्का जाम करके इस प्रदेश की सरकार को जगाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत दुख का विषय कि यह सरकार जागने तैयार नहीं है। और पुनिया जी जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दौरा होना चाहिए। जवाब देना चाहूंगा मैं, दे दीजिएगा पुनिया जी से भी मैं सवाल कर लूं और मैं चाहूंगा कि अमित श्रीवास्तव जी इसका जवाब दे दें तो बेहतर होगा, और ना दें तो पुनिया जी तक संदेश पहुंचा दें कि कम से कम इन सवालों का जवाब वो टटोल करके आए ताकि आपको आने वाले समय के अंदर में आपके संगठन की बेहतरी के लिए बेहतर हो। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या पुनिया जी बस्तर क्षेत्र के दौरे में जा रहे हैं तो उस कोंडा गांव की जो आदिवासी बहन है जिसका पिछले दिनों छत्तीसगढ़ ओलंपिक के अंदर अव्यवस्था के चलते जिसकी मौत हो जाती है और उस सुदूर क्षेत्र के अंदर में कोंडा गांव के अंदर में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होती, उसके परिवार से डीजल के 6,000 रुपए लिए जाते हैं, अंततः रायपुर के अंदर में आकर के वो आदिवासी बच्ची काल के कंगाल में समा जाती है, क्या उस परिवार से पीएल पुनिया साहब मिलने के लिए जाएंगे? क्या पीएल पुनिया साहब उस बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र के युवाओं को इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए जा रहे हैं क्या कि वहां के अनुसूची जो क्षेत्र है जहां जनसंख्या के आधार पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग को आरक्षण जो मिलता था डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय में उस आरक्षण को यथावत व पुनः प्रारंभ करने का आश्वासन देने जा रहे हैं क्या? इस बात का जवाब अमित श्रीवास्तव जी यहां पर दे रहे हैं। आदिवासियों का जो आरक्षण छीन गया है 20%, मैं जवाब देना चाहूंगा, क्या उसको वो यथावत आश्वासन देंगे क्या? इस बात का जवाब मैं अमित श्रीवास्तव जी से देना चाहता हूं। जी आरक्षण जो हटाने का जो बार बार वो आरोप लगा रहे हैं, हर दूसरी लाइन में उनका यही आरोप होता है कि आपने आरक्षण हटाया, तो वो क्यों हटाया, क्या वजह रही, एक बार स्पष्ट करिए आप। देखिए निश्चित तौर पे एज अ लॉयर मैं आपको पूरा जवाब दे देता हूँ। आदिवासी आरक्षण को लेके भाजपा जो भी बात करती है वो घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं है। उमेश जी को मैं बता दूं, भाजपा के वरिष्ठ सम्मानित प्रवक्ता है, लेकिन जब पूर्ववर्ती सरकार की गलत षड्यंत्र के कारण और पूर्ववर्ती रमन सरकार के जानबूझकर वर्तीगत लापरवाही के कारण आरक्षण की सीमा को हटाया गया, अरे सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ ना, जब मैंने आपने बोला तो मैंने बड़ा धैर्य पूर्वक सुना है, अब आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप इनको शांत कराइए प्लीज। उमेश जी दिस इज नॉट द करेक्ट वे, अरे आप ही तो बात अमित जी आप बोलिए, बात रखिए, सुन लीजिए। देखिए जब आरक्षण की सीमा 50 से बढ़कर 58 करने के खिलाफ अदालत में याचिका लगी तो रमन सरकार ने कोर्ट में आरक्षण बढ़ाने के तर्कसंगत कारणों को कोर्ट के समक्ष क्यों नहीं रखा? आरक्षण बढ़ाने के लिए जब तत्कालीन गृह मंत्री ननकी राम कंवर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसकी सिफारिशों को अदालत के समक्ष क्यों नहीं रखा गया? तीसरा प्रश्न मैं आपके माध्यम से बताऊं कि तत्कालीन मुख्य सचिव जो थे उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिशों को अदालत के समक्ष क्यों छुपाया गया? रमन सरकार ने आरक्षण के संबंध में जो 2 कमेटियां बनाई थी, इन कमेटियों के बारे में जो आरक्षण संबंधी मुकदमे के लिए हाई कोर्ट में जो हलफनामा दायर करना था, उस रमन सरकार ने इसका जिक्र तक हाई कोर्ट में नहीं किया। जब रमन सरकार आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 58 कर रही थी तो अनुसूचित जाति के आरक्षण में 4% की कटौती करने के बजाय आरक्षण सीमा को 58 से बढ़ाकर 52 क्यों नहीं किया गया?
इसके लिए अदालत नहीं जाते। और आपको मैं बता दूं कि आज जो ये कह रहे हैं वो पूरी तरीके से निरर्थक है, और रमन सरकार ने जानबूझकर यह गलती किया ताकि बड़ा आरक्षण अदालत में स्वतः ही निरस्त हो जाए। ठीक है, ये नहीं, तो अमित जी लगातार आपको मैं बता दूं, अमित जी ऐसा कहीं होता है, ऐसा कहीं प्रावधान है या छत्तीसगढ़ का कानून ऐसा कहता है कि 50 से ऊपर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण जा सकता है? देखिए स्पेसिफिक नीरा राइडिया उसमें जो नैना साहनी वाले केस में स्पेसिफाइड है कि 50% से अधिक नहीं होता है। सर अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, आरक्षण जो होता है वो जनसंख्या को देख के किया जा सकता है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जैसा मैंने कहा, हमने तो आज आपको मैं बता दूं आपके माध्यम से कि आदिवासी समाज को उनका हक दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, और बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सरकार अब सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, और इसके साथ संवैधानिक मार्गों को तलाशा जा रहा है आदिवासी समाज सभी वर्गों को उनका पूरा हक मिले, ये सुनिश्चित कर रहा कांग्रेस कर रही है, लेकिन भाजपा के नेता, इसीलिए मैं कहता हूँ सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है, इनके प्रवक्ताओं को आके चैनल में मातम भी मनाना है। ठीक है, अरे साहब मातम आप मनाइए, आपने सीना है, आप किस मुंह से जा रहे हैं उन क्षेत्रों के अंदर में? क्योंकि समय आगे नहीं ले जा पाऊंगा मैं इस डिबेट को, समय की बाधा है, इसलिए माफी चाहूंगा इस डिबेट को आगे नहीं ले जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, उमेश जी, और सवालों का जवाब इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से लगातार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से रास्ता होकर केंद्र की तरफ जाता है तो केंद्र की सरकार बनती है, वैसे ही एक कहावत है कि जैसे बस्तर से होके ही छत्तीसगढ़ के शासन तक पहुंचा जा सकता है, जो दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं कैसे भी करके बस्तर की जनता को रिझाने के लिए। लेकिन बीजेपी जो अपने कार्यकाल में लगातार अपनी सीटें खो के आई है, वो भी उम्मीद करके बैठी हुई है कि 12 में से कुछ सीटें उसे मिल जाए, ये कितना जमीनी तौर पर मुमकिन होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस की पकड़ वहां पर जरूर मजबूत लग रही है, लेकिन कुछ आंदोलनों से कुछ लोगों में आक्रोश है, अभी देखना होगा कि विधानसभा चुनाव तक कितने लोगों को शांत कर पाती है, इनकमबेंसी जो खत्म कर पाती है कांग्रेस, जिससे वो दोबारा से उन्हीं सीटों पर कब्जा कर पाए। इस पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।